देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कच्चे कच्चे कुल्हड़ लेके आई हूँ। इन कुल्हड़ों को बहुत थोड़ा सा रोस्ट किया गया है और ये बहुत इजीली टूट जाएंगे। आपको इनके कलर से भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा अर्दी हैं, नॉन ग्रेटी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये तो पका हुआ कुल्हड़ है, लेकिन ये सामने जो रखे हुए हैं ये सारे जो हैं, ये देखिए, ये कुल्हड़ जो है बहुत ज़्यादा अर्दी हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एक तरह से आप इनको कह लीजिए कि कच्चे कुल्हड़ हैं ये, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप इनको यूज़ करिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ग्रे क्ले के बने हुए हैं, आपको कलर से भी समझ में आ रहा होगा कि ग्रे क्ले के बने हुए हैं ये कुल्हड़, और कितने पतले हैं, थिन बहुत ज़्यादा हैं, और क्वांटिटी भी आप देखिए बहुत सारी है इनकी। थोड़े से स्मोकी स्मोकी से भी हैं, हल्के हल्के से, और ये इन्होंने बहुत सारे एक साथ बना के रख लिए हैं, क्योंकि प्रयागराज में या कहीं भी किसी भी सिटी में सबसे ज़्यादा जो है कुल्हड़ की ही डिमांड होती है, चाय के लिए, लस्सी के लिए, पानी के लिए, और कॉफ़ी वगैरह भी आजकल कुल्हड़ में ही मिलने लगी है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है कुल्हड़ की डिमांड है, और कुल्हड़ ही सबसे ज़्यादा जो ये लोग बनाते हैं। और कुल्हड़ एक्चुअली सॉफ्ट भी बहुत होते हैं, जो सॉसर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं उनका जो, हाँ, ये जो सॉसर हैं ये नीचे से क्या है, बहुत मोटे होते हैं, तो नीचे से जो इनका बेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो कुल्हड़ होते हैं उनका बेस बहुत जरा सा होता है, इस कारण से पूरा कुल्हड़ जो है सॉफ्ट होता है। तो सॉसर भी, हालांकि ये वाला सॉसर तो सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है, लेकिन वैसे जो है सॉसर कुल्हड़ से ज़्यादा हार्ड होते हैं। कुल्हड़ को जो है आप ज़रा सा ही प्रेस करिए वो तुरंत टूट जाता है, कोई सा भी कुल्हड़ हो, हर कुल्हड़ की ये खासियत होती है कि बहुत जल्दी वो टूट जाता है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से कुल्हड़ हैं, ये देखिए कितने हाथ में लेने से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुल्हड़ कितने छोटे हैं, इनका साइज़ कितना, ये देखिए कैसे कितनी जल्दी टूट रहा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर मैं आपको दिखा के ही करूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये तोड़ने से आपको समझ में आ रहा है कि ये कुल्हड़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, आधे तो इनके बनते बनते ही टूट जाते हैं, वो अगर टूटे हुए लेके आए इनके यहाँ से तो उसको खाने का अपना और ही ज़्यादा मज़ा है, सच बताएं तो। ये देखिए, ये देखिए कितनी जल्दी टूट रहा है, और इसको तो अगर आप मुंह में डालिएगा ना तो डालते ही जो है घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट है ये। देखिए एक तरह से ये अभी रॉ कुल्हड़ ही आप मान लीजिए इसको, अभी ये पकाया ही नहीं गया है मुझे लग रहा है, और इस तरह से, क्योंकि चलिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।